हेलो एवरीवन, मैं हूं विनोद कुमारी। सात्विक रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पके हुए आम की सब्जी। ये हिमाचल की एक बहुत ही फेमस डिश है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको अम्बुआ कहा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं किचन में। अम्बुआ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पके हुए आम लिए हैं, और मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा चम्मच साबुत धनिया, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड, दो लाल मिर्च और दो हरी मिर्च, और यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच अजवाइन, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है, और थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हींग, और एक मैंने यहाँ पर कच्चा आम लिया है क्योंकि मेरे आम बहुत ज़्यादा मीठे हैं, तो वो बैलेंस करने के लिए मैं एक आम कद्दूकस करके इसके अंदर डालूँगी। अभी हम आम को कट कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे आमों का छिलका उतार लेंगे। इस तरीके से मैं सभी आमों को काट के रख लूंगी। देसी आम का जो अम्बुआ है बहुत टेस्टी बनता है, तो ये मेरे पास देसी आम है, तो मैंने सारे के सारे आमों को छील लिया है, और मेरी कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। अभी हम तड़का डालेंगे इसमें। मस्टर्ड सीड, गैस को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि तेल मेरा ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो मसाले न जले मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो ये है सौंफ, लाल मिर्च, अच्छे से भून लेंगे इनको मसालों को। अभी डाल देंगे धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अजवाइन, और थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हींग। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अभी मैं डालूंगी इसके अंदर कटे हुए आम, और ये कच्चा आम भी इसके अंदर मैं डाल दूंगी। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इनको हम बहुत अच्छे से अभी भून लेंगे। अभी मैं दोबारा से गैस ऑन कर रही हूँ, अच्छे से इसको हम भूनेंगे। एक मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आपके आम खट्टे हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें चीनी या गुड़ ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे आम बहुत ज़्यादा मीठे हैं, तो इसलिए मैंने इसको मीठा इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मैंने कच्चा आम इसमें डाला है, ताकि सब्ज़ी मेरी बहुत ज़्यादा मीठी ना बने।
एक मिनट तक ये मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। अभी इसके अंदर और थोड़ा सा पानी जाएगा। अभी हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और साथ में मैं डालूंगी इसके अंदर जो हरी मिर्च रखी थी वो ऐसे इस तरीके से। अभी हम 10 से 12 मिनट तक इसको अच्छे से उबालेंगे और इसको पकने देंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हम गैस को थोड़ा मीडियम से थोड़ा कम कर देंगे और इसको 10 से 12 मिनट तक उबलने देंगे। तो अभी हम इसको ढक देंगे। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और इस तरीके से हमारी ये सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आप ग्रेवी देख सकते हो कितनी थिक हो गई है, और आम में से भी इसका जो पल्प है ये अलग हो गया है। तो हमारी सब्जी जो फुल तैयार है। अभी मैं गैस को बंद कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। और थोड़ी सी डालूंगी इसमें धनिया पत्ती। अभी हम इसको सर्विंग बाउल में डालेंगे। तो देखिए आम की चटपटी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। इसको आप चपाती, परांठा, राइस किसी के साथ भी खा सकते हो और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी मेरे स्टाइल में ये सब्जी जरूर बना के देखें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी डिशेस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।